हेलो एवरीवन, पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री का सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने अभी थोड़े दिन पहले अपलोड किया है। इस वीडियो में मैं कंप्लीट पेपर को सोल्व तो स्टूडेंट करूंगा ही करूंगा, साथ के साथ आपको बीच बीच में गाइडलाइंस मिलती रहेगी कि किस टाइप से आपको पेपर में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कितना लिखना है कि आपको फुल मार्क्स मिले, वो सारी बातें भी हम बीच में वीडियो के करते रहेंगे। तो एंड तक आप बने रहे, हर एक क्वेश्चन को प्रॉपरली एक्सप्लेन भी करूंगा और साथ के साथ ये भी बताता रहूंगा कि किन किन पॉइंट पे आपको ज्यादा फोकस करना है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको हो सकता है क्वेश्चन ज्यादा क्लियर ना दिखाई दे रहा हो, क्योंकि ज्यादा अगर मैं इसको बड़ा करूंगा तो लिखने की जगह मेरे पास नहीं हो पाएगी। मैं फिर भी आपको पढ़ देता हूँ। जो सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास अवेलेबल है वो है अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी। हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रॉपर्टी को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट वो हमारा किसके ऊपर है, पी के ए के ऊपर है। तो सबसे पहले तो हमें पी के ए के बारे में पता होना चाहिए कि पी के ए होता क्या है। पी के ए क्या होता है स्टूडेंट, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के ए, और के ए क्या होता है स्टूडेंट, एसिडिटी कॉन्स्टेंट, एसिडिटी कॉन्स्टेंट। तो जिसकी के ए की वैल्यू ज्यादा होती है स्टूडेंट वो स्ट्रोंगर एसिड होता है, और अगर पी के ए की वैल्यू ज्यादा है तो वो क्या होगा, वीकर एसिड होगा। तो इन्होंने कहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पी के ए लिखना है, तो यानी पी के ए इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब जो सबसे ज्यादा पी के ए जिसकी वैल्यू होगी वो सबसे वीक एसिड होगा। तो हमारे पास कौन कौन से एसिड गिवन है स्टूडेंट, एक तो आपको दिया है बेंजोइक एसिड, तो आप सबके फार्मूले बना स्ट्रक्चर बना लीजिए जिससे कि आपको क्लैरिटी हो जाएगी। दूसरा आपको दिया है स्टूडेंट फिनोल, और तीसरा आपको दिया हुआ है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड क्या होता है स्टूडेंट, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। और जो नेक्स्ट दिया हुआ है स्टूडेंट वो दिया हुआ है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, 2-हाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड। तो हमने क्या किया, इनके स्ट्रक्चर बना लिए, इनमें अरेंज कर रहे हैं। हम सबसे पहले देखेंगे सबसे स्ट्रोंगर एसिड कौन सा है, जो सबसे स्ट्रोंगर है वो सबसे पहले आएगा क्योंकि इसकी पी के ए की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो हम इनको नंबरिंग दे देते हैं स्टूडेंट, ए बी सी डी। तो अब अगर मैं बात करूं कि सबसे स्ट्रोंगर कौन है स्टूडेंट, आपको पता है अगर हम फिनोल और एसिड में बात करें तो एसिड क्या होते हैं, स्ट्रोंगर एसिड होते हैं। बट अगर नाइट्रो ग्रुप 2,4,6 पे आ जाता है, तीन नाइट्रो ग्रुप लग जाते हैं, तो पिक्रिक एसिड जो है ये स्ट्रोंगर एसिड हो जाता है इवन देन आपका बेंजोइक एसिड और सैलिसिलिक एसिड। तो जो तो सबसे स्ट्रोंगर यहां पे है स्टूडेंट वो क्या है, आपका सी है, पिक्रिक एसिड। अब इसके बाद स्ट्रोंगर की बात करें तो एक तो मेरे पास ए है और डी है। यहां पे काफी कंट्राडिक्शन थोड़ा सा है, कई बच्चे सोचते हैं यहां पे कि ओएच ग्रुप है, तो ओएच ग्रुप है तो क्या होगा, प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, और अगर कोई फंक्शनल ग्रुप प्लस आर इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट शो करता है तो एसडी करेक्टर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। बट यहां पे स्टूडेंट हमें प्लस आर या माइनस आर को ध्यान नहीं देना। आप याद रखिए कि अगर ऑर्थो पे चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हो तो उसका जो एसिडिक करेक्टर होता है ऑर्थो इफेक्ट की वजह से स्टूडेंट, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से जो एसिडिक करेक्टर है वो क्या होता है, ऑर्थो कंपाउंड जो होते हैं वो बेंजोइक एसिड से स्ट्रोंगर एसिड हो जाते हैं। तो यानी अगर मैं बी और डी में बात करूं तो डी स्ट्रोंगर है, तो यहां पे कौन आ जाएगा, डी। ई के बाद कौन आएगा, ए, आपका बेंजोइक एसिड है, और उसके बाद कौन आ जाएगा, आपका बी। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा पी के ए का। मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा किस तरह से हमने पेपर अटेम्प्ट करना है। दूसरी बात ये भी दिख गई होगी पहले क्वेश्चन से कि सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर डाला है स्टूडेंट वो लॉजिकली कॉन्सेप्ट पे डाला है, क्रैमिंग बेस्ड कॉन्सेप्ट पे नहीं है। पूरा पेपर जो मैंने स्टडी करूंगा और आपको भी सोल्व करवाऊंगा तो मैंने ये जज किया कि पूरा पेपर लॉजिकल कॉन्सेप्ट पे ज्यादा है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम है। तो इसलिए आपको जो पढ़ने का अपना स्टाइल है जैसे थोड़ा सा क्रैमिंग को खत्म करके आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल पे ज्यादा जाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो रिएक्टिविटी टूवर्ड्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड से जब हम एल्डिहाइड या कार्बोनिल ग्रुप को ट्रीट करते हैं तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा स्टूडेंट। तो ये एक तरह से क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एशन ऑफ वाटर। तो आपने अगर कॉन्सेप्ट पढ़ा हो तो मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं पहले, फिर हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कि जब हम हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करते हैं
तो क्या होता है स्टूडेंट, इसका ओ और इसका एच टू ये निकल जाते हैं और हमें ऑक्साइम मिल जाता है। हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, ऑक्साइम। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट वो ये है कि न्यूक्लियोफाइल का काम करता है और ये कार्बन पे अटैक करता है। अब जितना इजिली ये कार्बन पे अटैक कर पाएगा उतना जो आपका कार्बोनिल होगा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। रिएक्टिविटी के लिए दो कॉन्सेप्ट आपको बताए जाते हैं। पहला कॉन्सेप्ट जो है स्टूडेंट वो है ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट। तो जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, अल्काइल ग्रुप बिगर होगा, उतना क्या होता है रिएक्टिविटी कम हो जाती है। और दूसरा कॉन्सेप्ट हम यहां पे जो बात करते हैं वो करते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस। लेसर इज द स्टीरिक हिंड्रेंस अलोंग द कार्बन जिस पे अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल, उतना उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। और जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा इजी है, तो हम हमेशा सेकंड कॉन्सेप्ट के ऊपर ही जाते हैं। तो हमारे जो कंपाउंड है उसको हम देख लेते हैं क्या हमें गिवन है स्टूडेंट। पहला हमें गिवन है एसीटल्डिहाइड। तो स्ट्रक्चर बना लीजिए जिससे कि आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी, एल्डिहाइड ए। दूसरा है एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तीसरा हमारा है मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन, मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन। ये कॉमन नोमन क्लेचर है स्टूडेंट। टर्शरी ब्यूटाइल मेरा क्या होता है, ये वाला ग्रुप है जो मैंने साइड में लगाया है, ये टर्शरी ब्यूटाइल है, ये मिथाइल है, इसलिए हम इसे कीटोन देंगे। तो हम ये तीन कंपाउंड स्टूडेंट गिवन है, हम ये नंबरिंग देते हैं ABC। अब देखना है रिएक्टिविटी ज्यादा किसकी है। तो आपने बिल्कुल एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट स्टूडेंट ध्यान में रखना है कि कार्बन के अलोंग देख लीजिए कि किस केस में कार्बन के पास स्टीरिक हिंड्रेंस कम है। तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ए की स्टीरिक हिंड्रेंस सबसे कम है, उसके बाद बी और फिर सी। तो इसलिए जो रिएक्टिविटी होगी वो ए की ज्यादा होगी बी से, बी की ज्यादा होगी सी से। तो बड़े सिंपली आप कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं स्टूडेंट थर्ड। इथेनॉल दिया हुआ है, इथेनोइक एसिड दिया हुआ है, बेंजोइक एसिड दिया है और कहा है कि अरेंज करो इनका बॉइलिंग पॉइंट। तो ए स्ट्रक्चर लिख दिया करें जैसे इथेनॉल का है। और यहां से चीजों को समझने का मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, बार बार एक ही चीज बोलना थोड़ा सा अजीब लगता है कि लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, रट्टे वाले नहीं है। जैसे इथेनॉल आ गया, इथेनॉल के अंदर क्या होगा स्टूडेंट, आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। बॉइलिंग पॉइंट की कॉन्सेप्ट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट में इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शंस देखी जाती है कंपाउंड के अंदर। तो इथेनॉल में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इथेनोइक एसिड की बात करें तो इथेनोइक एसिड में भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। मगर आपको पता होगा कि दो इथेनोइक एसिड आपस में मिलकर डाइमर की फॉर्मेशन करते हैं ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हम बात करें इथेनॉल के कंपैरिजन, इसमें क्या है, बहुत ही ज्यादा है। उसके बाद आ गया बेंजोइक एसिड C6H5, सेम वही कॉन्सेप्ट यहां पे भी रहता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये भी करता है। अब बात यह है कि दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सी है स्टूडेंट, दोनों में से हम कहें भाई स्ट्रॉन्ग कौन सी है, तो स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा स्टूडेंट इंटरेक्शंस, वो बेंजोइक एसिड का होगा। अब आपने सर्वाइव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये भी डाइमर बना रहा है, ये भी बना रहा है, मगर इसका मोलिकुलर मास क्या हो गया, ज्यादा। सरफेस एरिया क्या हो गया, ज्यादा। तो वांडरवाल फोर्सेस बढ़ जाती हैं। तो ड्यू टू दिस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बेंजोइक एसिड में ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू एसिटिक एसिड। और जो बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड की अगर मैं बात करूं, इसे हम ए बी सी कहें, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, बेंजोइक एसिड का, उससे पहले आपका इथेनोइक, और सबसे कम किसका होगा, आपका इथेनॉल का होगा। तो ये आपका आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन स्टूडेंट देखते हैं, पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब सेकंड क्वेश्चन पे अगर हम जाएं स्टूडेंट तो क्या कहता है, हो सकता है आपको स्टूडेंट वहां से ज्यादा, मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देता हूं ऐसे। तो स्टूडेंट अगर हम सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से यहां पे पढ़ें तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा हो, द सोल्यूशन ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइट ए एंड बी। दो इलेक्ट्रोलाइट आपको दिए हुए हैं, वो कह रहा है बी के अंदर जो इंक्रीज है स्टूडेंट वो है 1.5 टाइम्स, वाई ए के अंदर जो इंक्रीज है वो जो है स्टूडेंट वो 25 टाइम्स है। कब, अगर मैं डाइल्यूशन करता हूं। तो वो कह रहा है आपके पास दो इलेक्ट्रोलाइट है ए और बी, और उसकी आपने डाइल्यूशन की, तो हमने देखा जो कंडक्टिविटी है बी के अंदर केवल 1.5 टाइम इंक्रीज हुई है जबकि ए के अंदर 25 इंक्रीज हुई है। बताइए इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है। तो फर्स्ट जो आपका व्यू आता है जनरल स्टूडेंट का, वो कहेगा ज्यादा इंक्रीज किसमें हो रहा है, ए में हो रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी शो करते हैं इसलिए ए होगा। मगर आंसर इसका स्टूडेंट ए नहीं है, इसका आंसर क्या है, बी।
अवलोचित क्या है, मैंने भी पिछली वीडियो खुरलोज क्लास से पहले आपको बताया था, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन द मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी सारा एक्सप्लेन किया था मैंने आपको, तो वहां से भी आप जाके डिटेल में जा सकते हैं। तो हमने क्या कहा था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में से जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो वीक के अंदर कंडक्टिविटी ज्यादा बढ़ती है, मोलर कंडक्टिविटी क्यों बढ़ती है स्टूडेंट? क्योंकि वीक के अंदर क्या है कि जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते आते हैं, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करते हैं, तो शार्प इंक्रीज जाता है मोलर कंडक्टिविटी के अंदर। मगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जैसे ही आप वाटर के कॉन्टेक्ट में आता है तो कंप्लीटली अपने आयंस में टूट चुका होता है, तो उसमें नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज नहीं होते, केवल स्पीड ऑफ आयन इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से वहां पे इंक्रीज स्मॉल होता है। इसलिए बी मेरा क्या आएगा स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन क्या, अच्छा साथ के साथ क्या क्या है, ग्राफिकली शो द बिहेवियर ऑफ ए एंड बी, तो आपको यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करनी है स्टूडेंट, तो उसको भी देख लेते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंट कैसे करेंगे आप। तो जब ग्राफिकल आ गया तो आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने सिखा रखा है पिछले वीडियोस में, वहां जाके भी आप देख सकते हैं, यहां मैं आपको बता रहा हूं। तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट सी और मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसेंट्रेशन के बीच में आप कर्व प्लॉट करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो कर्व होता है स्टूडेंट वो स्लाइटली इंक्रीज करता है, इसको हम बी ले लेते हैं, और इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं तो हमें मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पता चल जाता है। मगर जब हम ए ले लेते हैं, ए हमारा वीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं, जो इंक्रीज है वो एकदम जब एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जाते हैं तो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। और यहां पे कभी भी हम ग्राफिकल मेथड से वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट नहीं करते, तो ये आपको ग्राफ भी रिप्रेजेंट करना है और पहले बताना है ए और बी में से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग कौन सा है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन थर्ड की, गिव रीजन टू सपोर्ट द आंसर, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन इज एसेंशियल फॉर एल्डोल कंडेंसेशन। अब आप समझ सकते हैं स्टूडेंट, अगर एल्डोल कंडेंसेशन डायरेक्ट क्वेश्चन गिवन हो तो कितना इजी है, मगर उसके बीच में से मैकेनिज्म में से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको जो स्टडी करना है स्टूडेंट, मैं फिर बार बार उसी चीज को कह रहा हूं, तो आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको डीप स्टडी करें, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो इसको सोल्व करते हैं, अब यहाँ पे हमने क्या कॉन्सेप्ट लेना है देखते हैं। अब हम ले लेते हैं स्टूडेंट, अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी होता है एल्डोल कंडेंसेशन के लिए, तुम्हें पता है, तो हमारे पास ये एल्डिहाइड है। अब ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है स्टूडेंट, उससे जब नेक्स्ट जो कार्बन होता है उसे अल्फा बोलते हैं, और अल्फा कार्बन के पास आपको पता है ये जो हाइड्रोजन होता है अल्फा कार्बन, ये मोर एसिडिक होता है। क्या होता है? मोर एसिडिक होता है। अब ये मोर एसिडिक है, क्यों मोर एसिडिक है? क्योंकि आफ्टर रिलीजिंग एच पॉजिटिव आयन इट गेट्स कन्वर्ट इनटू कार्बे एनायन, और जो कार्बे एनायन बनता है स्टूडेंट, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, इजिली क्या कर देगा, इजिली क्या करेगा, एच पॉजिटिव आयन दे देगा। अब ये देगा किसे, आपको पता है रिएक्शन किसमें होती है, बेसिक मीडियम में होती है, OH नेगेटिव, तो ये OH नेगेटिव क्या करता है स्टूडेंट, अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो वो कह रहा है प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन इज एसेंशियल फॉर एल्डोल कंडेंसेशन। आप कहेंगे यस इट इज एसेंशियल फॉर एल्डोल कंडेंसेशन, बिकॉज जो बेस है वो अल्फा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करके कार्बन आयन जनरेट करता है, और जो रिएक्शन को आगे क्या करता है, प्रोसीड करता है। तो ये सारा आप मैकेनिज्म करके दिखा देंगे, आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट, 3-hydroxypentane 2-ON शो पॉजिटिव टोलरेंस रिएजेंट है। काफी अपने आप में थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है यहाँ पे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे, अगर आपने मेरी वीडियो टोलरेंस रिएजेंट की देखी हो स्टूडेंट, तो टोलरेंस रिएजेंट की वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि जितने भी अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं ये भी क्या करते हैं स्टूडेंट, टोलरेंस रिएजेंट टेस्ट शो करते हैं। मगर यहाँ पे छोटा सा क्या है, ट्विस्ट है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन कौन से, जो टर्मिनल पे होते हैं, जो क्या होते हैं, टर्मिनल पे होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है जो टर्मिनल पे है केवल वही करते हैं, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। तो स्टूडेंट समझते हैं कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जो है वो टोलरेंस रिएजेंट टेस्ट शो क्यों करते हैं, टोलरेंस रिएजेंट टेस्ट शो क्यों करते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या स्टूडेंट, जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए लू, जैसे OHCH डबल बॉन्ड O, यहाँ पे मैं एक H थोड़ा सा खोल के लिख रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए, कीटोन ले लिया मैंने, क्या है ये 1, 2, 3, ठीक है ना। तो मेरे पास मान लीजिए 3-hydroxypropane 2-ON है, ठीक है स्टूडेंट।
अब यहाँ पे टर्मिनल साइड पे है, यहाँ पे ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। यहाँ पे जो OH इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, टोटोमेरिज्म शो करेगा। तो टोटोमेरिज्म के बाद आपका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा स्टूडेंट, वो क्या हो जाएगा, सी एच डबल बॉन्ड सी ओ एच सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री, ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। मगर जब अल्फा पोजिशन पे ओ एच होता है तो यहाँ पे फर्दर रिएक्शन होती है। देखिए ध्यान से, प्रोटोन का ट्रांसफर होता है और ये इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, तो अब जो हमारा ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसमें हो जाएगा सी, यहाँ पे एक एच है देख लीजिए आप, सिंगल बॉन्ड सी एच ओ एच और सी एच थ्री, तो ये फ्री एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फ्री एल्डिहाइड में। और आपको पता है कि एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो टोलेंस एजेंट टेस्ट शो करता है, तो इसलिए जो अल्फा हाइड्रोक्सी करते हैं। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आई हमें, क्यों ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, कि अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं स्टूडेंट तो क्या बनेगा, सी एस थ्री क्या है, थ्री हाइड्रोक्सी है और टू ओन है, थ्री हाइड्रोक्सी और टू ओन है, तो हम क्या करेंगे, सी डबल बॉन्ड ओ सी एच ओ एच सी एच टू सी एच थ्री, ये मेरे को कंपाउंड गिवन है स्टूडेंट। तो अगर ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हमारा कीटो है तो ये अल्फा, ये भी अल्फा है, तो हमारे दिमाग में एक बार आ सकता है अल्फा हाइड्रोक्सी है, मगर ये जो अल्फा हाइड्रोक्सी बीच में जब आता है तो स्टूडेंट ये एल्डिहाइड थ्री में कन्वर्ट नहीं होता, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कीटो ग्रुप में ही कन्वर्ट होगा आफ्टर टोटोमेरिज्म। तो यहाँ पे फ्री एल्डिहाइड ग्रुप हमें नहीं मिल पाएगा, इसलिए थ्री हाइड्रोक्सी पेंटेन टू ओन, आप कहेंगे इसके अंदर कीटोन ग्रुप है, जिसकी वजह से ये सिल्वर मिरर टेस्ट शो नहीं करेगा, डज नॉट शो टोलेंस रिएजेंट टेस्ट, जिसे हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, तो ये टोलेंस रिएजेंट टेस्ट क्या है स्टूडेंट, शो नहीं करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अपने आप में एक अच्छा लेवल के क्वेश्चन दिए गए स्टूडेंट। अब सेक्शन बी पे चलते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये दोनों क्वेश्चन टू टू मार्क्स के थे, ठीक है, जो कि हम एक्सप्लेन में आपको कर चुका हूं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर की। अब क्वेश्चन फोर क्या कह रहा है स्टूडेंट, वो कह रहा है एनिलीन कैन नॉट प्रिपेयर्ड बाय अमोनोलाइसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन अंडर नॉर्मल कंडीशन, वाई, तो इसको समझ लेते हैं। पहले क्लोरोबेंजीन से हम एनिलीन नॉर्मल कंडीशन पे नहीं बना सकते, वो कह रहा बताओ क्यों नहीं बना सकते, तो ये मेरा क्लोरोबेंजीन है स्टूडेंट। अब तुम्हें पता है क्लोरोबेंजीन क्या है, पार्शियली ड्यू टू रेजोनेंस पार्शियली डबल बॉन्ड करैक्टर क्या करता है, गेन करता है, तो हम कहेंगे ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर नॉर्मल कंडीशन पे हम ये कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकते हैं, इसीलिए एनिलीन की प्रेपरेशन नहीं होती। मैं इसमें अमोनिया अगर मान लो सिंपली डालता हूं, रूम टेम्परेचर पर कहता हूं, रिएक्शन करता हूं, तो ये एनिलीन में कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो आप उसके पीछे लॉजिक पूछ रहे हैं क्यों नहीं होगा, तो आप कहेंगे ड्यू टू रेजोनेंस देर इज पार्शियली डबल बॉन्ड करैक्टर बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन, देयरफॉर दिस बॉन्ड इज नॉट इजिली टू ब्रेक, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये रिएक्शन क्या है, नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन को अगर हम स्टूडेंट ध्यान से देखें, वो क्या कह रहा है, एन इथाइल इथेनमीन, पहले तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एन इथाइल इथेनमीन, तो हमारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट, एन के साथ इथाइल है और इथेनमीन कह रहा है, तो ये हमारा सेकेंडरी अमीन है। बॉयल एट 329, इसका जो बॉयलिंग प्वाइंट है 329.3 केल्विन है, एंड ब्यूटेन वन अमीन, और ब्यूटेन वन अमीन जो है सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू एन एच टू, ये प्राइमरी अमीन है स्टूडेंट, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कह रहा है 350.8 केल्विन है, बताओ क्यों। तो आपको काफी यानी कि लॉजिकली क्वेश्चन दिए गए हैं, ये वही चीजें बार बार मैं बोल रहा हूं कि लॉजिकली क्वेश्चन है। अब वो कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट इसका इतना ज्यादा क्यों है इससे, जबकि दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर है, नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन क्या है, सेम है, फिर भी इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है क्यों है, तो स्टूडेंट बिल्कुल इजी सा जवाब आप यहां पे देंगे कि प्राइमरी अमीन के पास दो हाइड्रोजन है, सेकेंडरी अमीन के पास नाइट्रोजन के पास केवल एक हाइड्रोजन है, तो इसकी जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ज्यादा होती है सेकेंडरी अमीन से, जिसकी वजह से जो प्राइमरी अमीन है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको दिखाता हूं, जैसे NHH, अब ये भी क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, ये वाला भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, ठीक है ना, इवन जो लोन पेयर है इसके पास वो भी हाइड्रोजन के साथ प्राइमरी अमीन के साथ हाइड्रोजन,
तो जो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है प्राइमरी अमीन के अंदर, प्राइमरी अमीन और प्राइमरी अमीन के बीच में ज्यादा होती है। सेकेंडरी अमीन के पास केवल एक हाइड्रोजन है और एक लोन पेयर है, तो यहाँ पे इस टाइप की बॉन्डिंग केवल दो होंगी। तो हम समझ सकते हैं कि प्राइमरी अमीन के अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है किससे, प्राइमरी। तो फुल एक्सप्लेन करना है आपने। मैं जैसे कई बार स्टूडेंट पूछते हैं सर बेस्ट मेथड क्या है पेपर अटेम्प्ट करने का, तो मैं एक लाइन में कहता हूं नाउ यू टीच द टीचर। तो आपको जितना कुछ आता है वो एक्सप्लेन कर दें, ये ना सोचे कि ये लिखना है कि नहीं लिखना, लिख दीजिए ताकि टीचर को आप समझ आए कि आप क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट क्या है। एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको हम अपना स्टडी करते हैं, देखते हैं क्या है। तो क्या कह रहे हैं पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि हमने क्या लिया स्टूडेंट, एसिडाइलेशन करनी है एनिलीन की। एनिलीन है मेरे पास और एनिलीन की मैंने एसिडाइलेशन कर दी CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस पिरिडीन। पिरिडीन की प्रेजेंस में हम रिएक्शन कर रहे हैं, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है स्टूडेंट वो क्या मिलता है, NHCOCH3 और प्लस क्या हो गया HCl। पहले रिएक्शन अगर एसिडाइलेशन की करिए कर दिया, अब वो कह रहे हैं ये बताओ व्हाट इज द रोल ऑफ पिरिडीन, यहां पे आपने बेस क्यों लिया। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आंसर है स्टूडेंट, देखिए आप यहां से हमें पता है कि जो साइड प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है एसिड। अगर मान लो मैं यहां पे पिरिडीन नहीं लेता हूं तो क्या होगा, एनिलीन और इसके बीच में रिएक्शन होगी, आपके पास एन फिनाइल एसिटेमाइड बन जाएगा और प्लस क्या बन जाएगा HCl। अब ये जैसे ही एसिड बनेगा आपको पता है एनिलीन क्या है, लेविस बेस है, ये बेस है, तो ये एनिलीन ही क्या करेगा HCl के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देगा, रिएक्शन को आगे प्रोसीड ही नहीं होने देगा। दूसरी बात, यहां से अगर हम HCl को रिमूव कर देते हैं स्टूडेंट तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो हम इसमें पिरिडीन डाल देते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। ये पिरिडीन क्या करता है स्टूडेंट, HCl के साथ रिएक्शन करके इसको न्यूट्रलाइज कर देता है और रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैरी कराता है। तो इस तरह से ये रिएक्शन को क्या करता है, प्रोसीड करता है। मेरे ख्याल से आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आ रहा होगा, आप देख रहे होंगे काफी एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं हर एक क्वेश्चन को, ताकि आप पेपर में अच्छी तरह चीजों को अटेम्प्ट कर सके और अच्छी तरह लिख सके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन है स्टूडेंट कन्वर्जन क्या है, क्या कह रहा है, कन्वर्ट किसको किसको करना है। वो कह रहा है हाउ विल यू कन्वर्ट फिनोल इनटू एन फिनाइल इथेनेमाइड, एन फिनाइल इथेनेमाइड। तो पहले हम स्ट्रक्चर लिख लेते हैं पहले, और एक चीज और स्टूडेंट, कई बच्चों को शायद बुरा लगेगा, मैं कई स्टूडेंट स्ट्रक्चर तक प्रॉपर नहीं बना सकते, अगर स्ट्रक्चर ही आपको नहीं आते तो आप कन्वर्जन नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे पहले नोमन क्लेचर ऑर्गेनिक अगर किसी बच्चे ने सीखनी है तो उसको नोमन क्लेचर अच्छी तरह आना चाहिए, तभी वो कन्वर्जन भी करेगा सब कुछ। अगर आपको स्ट्रक्चर ही नहीं पता कन्वर्जन तो दूर की बात है। तो स्ट्रक्चर्स पे आपने फोकस करना है, हर एक बच्चे को आईयूपीएससी और कॉमन नोमन क्लेचर ये दोनों अच्छी तरह आने चाहिए। और अगर किसी स्टूडेंट को नहीं आता स्टूडेंट नोमन क्लेचर की पूरी प्ले लिस्ट है, उसको आप यहां से देख सकते हैं और वहां पर जाके अपने नॉलेज को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए इस टाइम फिलहाल हम पेपर को सोल्व करें तो उसकी बात करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि फिनोल को हमें कन्वर्ट करना है एनफिनाइल। अब आप ये देख सकते हैं, अब मुझे इसको करना है, करने के स्टेप याद करने हैं। अब OH से डायरेक्ट ये ग्रुप कैसे आएगा, मेरे माइंड में कोई ऐसी रिएक्शन नहीं आ रही। तो हम करेंगे क्या, अच्छा सपोज करिए यहां पे एनिलीन होता स्टूडेंट मेरे पास, अभी आपने थोड़ी देर पहले रिएक्शन लिखी थी, अगर मेरे पास एनिलीन हो तो आपने सर एसिडाइलेशन तो है, अभी थोड़ी देर पहले आपने रिएक्शन लिखी है CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, तो ये तो बड़े अच्छे। अब यानी हमारा मकसद क्या हो गया, फिनोल से एनिलीन कैसे बनाए। तो वैसे डायरेक्ट एनिलीन फॉर्मेशन इजीली नहीं होती, तो हम क्या करते हैं इसको पहले बेंजीन में कन्वर्ट करते हैं। तो जिंक डस्ट डाल दें, तो जिंक डस्ट डालने से जो फिनोल है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन में। अब बेंजीन से एनिलीन डायरेक्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, नहीं बनती तो हमें पहले नाइट्रेशन करनी पड़ेगी HNO3 और H2SO4 के साथ, तो हमारे पास नाइट्रोबेंजीन आ जाएगा स्टूडेंट, और नाइट्रोबेंजीन से आपको पता है एनिलीन बनाने के लिए बहुत सारे स्टेप हैं, H2O+ platinum का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, Fe+HCl का इस्तेमाल कर सकते हैं, Tin+HCl का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कोई भी रिएजेंट आप डाल दें तो नाइट्रो कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में, एनिलीन बन गया। एनिलीन के बाद आपको पता ही है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्लोरोइथेन टू मीथेन 1 अमीन, क्लोरोइथेन, तो ये पहले स्ट्रक्चर बना लीजिए CH3CH2Cl और इसको किसमें कन्वर्ट करना है, मीथेन अमीन में। तो स्टूडेंट हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार अपने आप में है,
और डीप स्टडी आपको करनी पड़ेगी। यहां पे ये कॉन्सेप्ट लिखते ही मेरे माइंड में क्यों आंसर आ गया यार, एक कार्बन डिक्रीज करना है। जब भी एक कार्बन आपको डिक्रीज करना हो स्टूडेंट, तो दो नेम रिएक्शन आपको आनी जरूरी है। पहला है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, उसको आप जरूर कर लें। दूसरा है होफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है ना। ये दो रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। कन्वर्जन आप तभी कर सकते हैं जब आपको नेम रिएक्शन जनरली याद है। तो आप करें क्या, अब मुझे यहाँ पे अगर मान लो होफमैन डिग्रेडेशन चाहिए तो मुझे एमाइड चाहिए, ठीक है। अब कई बच्चे क्या करेंगे, कहेंगे सर साइनाइड डाल देते हैं एमाइड बन जाएगा, मगर उससे क्या होगा, एक ही कार्बन कम होगा। साइनाइड से पहले एक कार्बन बढ़ जाएगा, फिर एक घटा दोगे तो फायदा कोई नहीं है। तो यह डायरेक्ट हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब क्या करें हम यहाँ पे एमाइड लाने के लिए, तो बहुत सारे तरीके हमारे पास। पहली बार हम क्या करेंगे, इसको एक्वस क्यूओएच के साथ रिएक्शन कर देंगे। एक्वस क्यूओएच के साथ रिएक्शन करने से ये स्टूडेंट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में, और एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना होता है, तो ऑक्सीडेशन कर देते हैं हम KMnO4+H2SO4 में, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा एसिटिक एसिड में। अब इससे एमाइड बनाना बहुत ईजी है, आपको पता है अमोनिया के साथ हीट कर दीजिए तो ये बन जाएगा हमारा एसिटे एमाइड। अब एस्टे एमाइड से एक कार्बन कम करना है तो ये होफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन है, जो मैं कहता हूं ब्रोमीन ओब्लिक 4KOH। ये आप रिएजेंट याद कर लें, जब भी आप एमाइड में डालेंगे तो ये एक कार्बन कम का अमीन बना देगा, तो ये आपका क्या बन गया, डायरेक्ट हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारी फॉर्मेशन होगी मिथाइल अमीन। तो एमाइड से अमीन जब एक कार्बन कम का बनाना होता है तो हम होफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपकी पूरी कन्वर्जन होगी। इसका आप क्या कर लें, यहां पे स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, प्रोपेन नाइट्राइल टू इथेनोल। अब प्रोपेन नाइट्राइल पहले तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं, CH3CH2CN, नाइट्राइल का मतलब CN ग्रुप, इनटू इथेनोल CH3CH2OH। फिर वही वाली बात आ गई कि हमें एक कार्बन कम करना है। अब साइनाइड है तो एमाइड बनाना थोड़ा सा इजी हो जाता है, इजिली हम इसकी क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस कर देंगे एसिडिक मीडियम में पार्शियल, ठीक है ना। एसिडिक मीडियम में हम इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, CH3CH2CONH2 मिल जाएगा एमाइड। अब एमाइड से आपको पता है कि अगर मैं इस पे ब्रोमीन ओब्लिक KOH का इस्तेमाल करता हूं, जैसे मैंने अभी आपको बताया है 4 मोल, तो ये कन्वर्ट हो जाता है एक कार्बन कम के अमीन के अंदर, तो ये क्या कन्वर्ट हो गया, इथाइल अमीन। और अब आपको याद रखना है, मेमोराइज कर लीजिए बेसिक, कि NH2 से कभी अगर OH ग्रुप बनाना है प्राइमरी अमीन में तो आपको एक रिएजेंट याद करना है HONO नाइट्रस एसिड, तो आपकी रिएक्शन हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी इथेनोल में। तो बड़ी सिंपल कन्वर्जन है, मगर बात वही है, सिंपल देखने में लग रही है, इनको आपको याद करना पड़ेगा। जब तक आपको हर एक स्टेप कन्वर्जन का नहीं याद होगा, यार एमाइड से अमीन कैसे जाएंगे, अमीन से अल्कोहल कैसे जाएंगे, ये सारी चीजें आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी। ये मैं कहूंगा मेमोराइज बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप इसको याद कर लिए अच्छी तरह, तभी आप कर पाएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं कन्वर्जन सी, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से क्वेश्चन है हमारा। अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के क्वेश्चन को समझते हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नहीं पढ़ी तो स्टूडेंट इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, और एंड स्क्रीन पे भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। मैंने इसकी कंप्लीट वीडियोस बना रखी है, वहां से आप अपने नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की। तो पहला पार्ट इसका ये है कि वो कहता है कि निकल वाटर के साथ जब स्टूडेंट लाई करता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, तो इसका कलर ग्रीन होता है, ठीक है। मगर जब निकल के साथ वाटर 4 मोलिक्यूल और इसके बाद ईन आ जाता है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो ये बनता है, तो इसका कलर ब्लू हो जाता है। वो कहता है क्यों, जबकि निकल दोनों में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, हाइब्रिडाइजेशन थोड़ी सी डिफर करेगी, बट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दोनों क्या है, सेम है T2G6Eg2। तो अंतर क्या पड़ता है पहले स्टूडेंट उसको समझ लेते हैं। हम जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करते हैं स्टूडेंट, डी के जो 5 ऑर्बिटल है ये स्प्लिट करते हैं, तो वाटर के केस में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है स्टूडेंट वो लेस होती है, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड में काउंट होता है। इन की वजह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्टेबल बनता है और इनके बीच में एनर्जी गैप बढ़ जाता है। जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है स्टूडेंट वो दोनों में डिफर करेगी,
वाटर के इसमें कम है, तो जिसकी वजह से जो ट्रांजिशन होगा जब इसके ऊपर लाइट फॉल करेगी, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, वाटर है तो पेयरिंग नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन टीन के केस में भी देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। नहीं तो जनरली क्या होता है, टीन की वजह से पेयरिंग हो जाती है, मगर निकल टू प्लस कॉम्प्लेक्स स्पिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता, अगर हम इसकी पेयरिंग कर भी देंगे तो DSP3 डीहाइब्रिडाइजेशन तो बनने से रही, तो यहाँ पे पेयरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं लगता। अब अंतर किस चीज का है, अंतर केवल यह है कि यहाँ पे जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है स्टूडेंट, और यहाँ जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है उनमें डिफरेंस है। यहाँ एनर्जी गैप कम है, यहाँ एनर्जी गैप ज्यादा है, जिसकी वजह से जो ट्रांजिशन होगा जब इसके ऊपर व्हाइट लाइट फॉल करेगी, तो उसके बाद जब ये लाइट ये इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेंगे फिर डाउनवर्ड जाएगा, तो जो लाइट ये इमिट करेगा वो अलग अलग करेगा। इस केस में ग्रीन करता है और इस केस में क्या करता है, ब्लू लाइट इमिट करता है। तो आप लॉजिक क्या देंगे कि इस केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी और इस केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से ट्रांजिशन डिफर करेगा, डीडी ट्रांजिशन, और कलर क्या हो जाएगा, डिफर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। हम क्वेश्चन है वो किसके ऊपर है स्टूडेंट, फार्मूला लिखना है, हाइब्रिडाइजेशन लिखनी है और स्ट्रक्चर बनाना है। तो आपको कंपाउंड क्या गिवन है स्टूडेंट, ट्रिस इथेन 1,2-diamine इथेन का ई भी है यहां पे, और उसके बाद है कोबाल्ट 3 sulfate। तो पहले तो हमें क्या करना है, इसका फार्मूला लिखना है और हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, दोनों कर लेते हैं स्टूडेंट। पहले फार्मूला लिखे तो सेंट्रल एटम क्या है, कोबाल्ट, उसे लिख लीजिए। फिर ट्रिस वर्ड दिया है तो ईन का क्या आ जाएगा, थ्राइस, और सल्फेट बाहर पड़ा है, तो ये हमारा फार्मूला बन गया। अब ये देख लेते हैं क्या ये हमारा फार्मूला सही है। अगर मैं केवल ये फार्मूला मानता हूं स्टूडेंट, अगर मैं केवल ये फार्मूला मानता हूं तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, x 0 -2 = 0, x = +2, यानी यहां तो ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड दे रखी है, इसका मतलब ये फार्मूला गलत लिखा गया है। तो इस तरह आप क्रॉस चेक करेंगे कि आपने सही किया है कि नहीं किया है। तो क्या करें, अब इसको करेक्ट करते हैं। कैसे करेक्ट करें, अब इसका मतलब हमारे यहाँ पे क्या होगा, हमें यहाँ पे थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए स्टूडेंट। कैसे ला सकते हैं, हम इसकी देख लेते हैं कि सल्फेट कितने आएंगे, कैसे निकालते हैं, इसको x मान लेते हैं, 3। हम क्या कर लेते हैं बेटा, इसको x मान लेते हैं कि इसके x लिगेंड है, क्योंकि जो बाहर चीज पड़ी है केवल वो भी रीड करेगी, अंदर वाले को तो हम चेंज कर नहीं सकते। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है स्टूडेंट, थर्ड। इन की क्या होती है, 0। सल्फेट का -2 होता है, -2x = 0। तो x क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अगर हम x की बात करें तो 2x 3 3/2, तो x क्या हो जाएगा, 3/2। अब यहां पे अगर मैं 3/2 पुट करता हूं स्टूडेंट तो क्या कॉम्प्लेक्स बनेगा, कोबाल्ट इन का ट्वाइस SO4 का 3। तो ये चीज आपको समझनी है कि कंपाउंड का फार्मूला कैसे बनाएंगे, और आप यहां से भी लेवल को समझ सकते हैं कि सीबीएसई सिंपल क्वेश्चन नहीं दे रही स्टूडेंट, क्योंकि नॉर्मल बच्चा ये इसका फार्मूला लगाएगा मगर जल्दीबाजी में गलती करेगा, क्यों करेगा मैंने आपको बता दिया। तो इसको आपको इस तरह कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए। अब ये आपके पास आ गया, अब इस कंपाउंड की मुझे क्या बतानी है, हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। तो बता देते हैं स्टूडेंट इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी, इसका आप स्क्रीन शॉट लेना चाहिए, एक मिनट रुकिए, आप इसका स्क्रीन शॉट ले लें ताकि मैं इसको डिलीट कर दूं। तो अब हमें क्या करना है, इस कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन भी बतानी है। तो स्टूडेंट क्या करें, कोबाल्ट के साथ कितने हैं, ईन लिगेंड है कितने हैं, 6 है, 3 है, 3 बाइडेंटेड लिगेंड है तो 6 हो जाएगा। तो कोबाल्ट यहां पे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है स्टूडेंट, +3। तो कोबाल्ट कितना होता है, 27 में से 3 गए तो कितना बच गया, 24। तो आपकी जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो क्या बनेगी स्टूडेंट, 3D6 4S 0। कैसे, अगर किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है तो हम पहले कोबाल्ट के लिए लिख लेते हैं, कोबाल्ट 27 है, आर्गन 3D7 4S 2। अब थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस, तो 2 इलेक्ट्रॉन एस से गए, 1 डी से गया, ये मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन आ गई। अब डी के कितने ऑर्बिटल है स्टूडेंट, 5 होते हैं, एस का 1 है, पी एम्प्टी हमारे पास खाली बाहर पड़ा हुआ है, डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, भर दीजिए, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है स्टूडेंट, ठीक है, ग्राउंड स्टेट। मगर अब हमें पता है कि ईन जो है वो क्या कर देता है, पेयरिंग कर देता है, क्योंकि बाइडेंटेड लिगेंड है, स्टेबिलाईजेशन कर देता है चिलेशन इफेक्ट की वजह से। तो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के जो 6 इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट ये पेयर्ड हो जाएंगे,
अब 6 इलेक्ट्रॉन को जब हम पेयर्ड कर देंगे स्टूडेंट, तो मेरे पास जो एम्प्टी ऑर्बिटल बचेंगे वो कौन से बचेंगे, 2d के 1s का 3p के। तो हाइब्रिडाइजेशन जो आपकी बनेगी स्टूडेंट वो क्या बनेगी, d2sp3। तो आपसे फार्मूला बना के दिखा दिया मैंने और फिर उसकी हाइब्रिडाइजेशन। तो ये 1+2 पहले वाला क्वेश्चन 1 मार्क्स का था, 1 नंबर का फार्मूला और 1 नंबर का आपकी हाइब्रिडाइजेशन है। तो किस तरह निकालनी है कंप्लीट मैंने आपको नॉलेज दे दिया। फिर भी किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है तो आप प्लेलिस्ट में जाके अपनी नॉलेज को और बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी का, और का 5th पार्ट को अगर हम देखें स्टूडेंट तो क्या कह रहा हो, कहता है इन ए कोऑर्डिनेशन एंटिटी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंटर मेटल आयन इज T2G3Eg1 कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है। इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज हाई स्पिन और लो स्पिन। दूसरा, ड्रा द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम फॉर द अबव कॉम्प्लेक्स। तो बना देते हैं स्टूडेंट। अब हमें पता है डी के क्या होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे T2G3Eg1 कह रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। अब वो कह रहा है इसको हम क्या करेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या बनेगी। तो पहले तो आपको पता है थोड़ी देर तक तो ये क्या करते हैं स्टूडेंट, अपनी एनर्जी को मेंटेन करके रखते हैं, मगर जब इन पे लिगेंड अप्रोच करते हैं दे स्प्लिट इनटू 2 पार्ट, दैट इज T2G और Eg। तो ये स्प्लिट करके 2 पार्ट में लोअर एनर्जी जो होता है वो T2G होता है और अपर एनर्जी जो लेवल होता है वो Eg होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब ध्यान से देखना, अब मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अब 4 इलेक्ट्रॉन को ये क्या कह रहा है, कैसे भरे जाएंगे, T2G3 और Eg1, ये आपको कॉन्फिगरेशन गिवन है। तो इसका मतलब आपने क्या किया, यहाँ पे पेयरिंग नहीं की। वैसे नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, मेरे पास अगर 4 इलेक्ट्रॉन है डी के और मैं अगर नॉर्मली ब्रेक करूं, अगर मुझे कोई कहे कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो मैं कैसे करूंगा स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन, मैं कहूंगा 1, 2, 3 और पेयरिंग कर दे। मगर ये हम नहीं कर रहे हैं, हमने पेयरिंग नहीं की। इसका मतलब जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है उससे ज्यादा क्या है, पेयरिंग है, क्योंकि जो लो होता है वो काम हम करते हैं। पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से तो हम पेयरिंग नहीं करते। तो यहाँ पे याद रखिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से काम है। पहले बात तो आपको ये डायग्राम बनाना है जो इसमें 3rd पार्ट में क्या है, ड्रा द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ये बन गया। इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज हाई स्पिन और लो स्पिन। अब ये हाई स्पिन है लो स्पिन है, देखो अगर मैं पेयरिंग कर देता तो ये लो स्पिन होता है। अब पेयरिंग नहीं के 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 1/2 × 4 इसकी स्पिन क्या आएगी, +2। और अगर हम पेयरिंग कर देते तो स्पिन क्या आती, +1। हमने पेयरिंग नहीं की स्टूडेंट, पेयरिंग नहीं की तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये हमारा क्या बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा। और अगर हमने पेयरिंग कर देते हैं तो ये क्या बनता, लो स्पिन। तो आपका आंसर क्या होगा कि ये कंपाउंड जो हमें गिवन है ये हाई स्पिन है और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डायग्राम आपने बना के दिखा दिया, ये अपर वाला खाली बना के दिखाना, ये बना नहीं समझाने के लिए खाली किया हमने। तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 6 है स्टूडेंट, ये कहां से हमारा लाइक आ रहा है, डी ब्लॉक एलिमेंट से। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम स्टूडेंट ध्यान से देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है Titanium 4 इज मोर स्टेबल देन Titanium+2 एंड Titanium+3। वाई, तो पहले हम समझ लेते हैं टाइटेनियम होता है कितना स्टूडेंट, 22 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, Argon 3d2 4s2। तो ये तो हमारी पहली बात है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं Titanium 2 पॉजिटिव की बात करता हूं तो क्या बनेगा, Argon 3d2, एस के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। और Titanium 3 पॉजिटिव की बात करता हूं तो बनेगा Argon 3d1, और Titanium 4 पॉजिटिव की बात करता हूं तो Argon 3d0। तो आप खुद देख सकते हैं क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते अपने आप में क्लियर हो गया कि Titanium 4 पॉजिटिव क्या है, मोर स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि इस केस में आफ्टर लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन इट गेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जबकि बाकी में ऐसा नहीं हो रहा, इसलिए Titanium 4 पॉजिटिव मोर स्टेबल है Titanium 2 पॉजिटिव से और Titanium 3 पॉजिटिव से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आयन ऑफ सेम चार्ज इन गिवन सीरीज शो ए प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन रेडियस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर वाई। अब वो कह रहा है मान लो मेरे पास Titanium 2 पॉजिटिव है, Titanium के बाद क्या आ गया, स्कैंडियम, Titanium, वेनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर मैंगनीज। तो कहता जब आयन की फॉर्म में ट्रांजिशन एलिमेंट है तो एटोमिक रेडियाई का जो डिक्रीज है वो प्रोग्रेसिवली है, बताओ क्यों। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं स्टूडेंट,
लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है। मगर ट्रांजिशन एलिमेंट के केस में पहले क्या कहते हैं, पहले डिक्रीज करेगा। अगर आपका एलिमेंट नॉर्मल स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट पे है, तो पहले डिक्रीज फिर कॉन्स्टेंट फिर इंक्रीज। मगर जब अपने आयन की फॉर्म में होता है स्टूडेंट तो प्रोग्रेसिवली डिक्रीज कर रहा हो। क्यों कहता है, उसके पीछे लॉजिक क्या है कि जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो डी स्ट्रक्चर में एंटर कर रहा है। डी का क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, और पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो साइज में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आपने कहना है कि लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और जिसकी वजह से साइज में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। थर्ड जो है, जिंक इज कंपैरेटिवली सॉफ्ट मेटल देन आयरन एंड क्रोमियम वाई। तो समझ लेते हैं स्टूडेंट इस क्वेश्चन को। तो पहले हम बात कर लेते हैं, मेरे पास एक तो क्रोमियम दिया हुआ है, एक आयरन दिया हुआ है, एक जिंक दिया है। इनमें खास डिफरेंस क्या है, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो ये 3d10 4s2 है, इसकी बात करूं तो ये 26 है, आर्गन क्या हो जाएगा 3d6 4s2 हो जाएगा, और क्रोमियम की बात करूं तो आर्गन 3d5 4s1। तो हम अगर ध्यान से देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टूडेंट, तो इनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ज्यादा मेटैलिक बॉन्डिंग होती है। क्या होती है, मेटैलिक बॉन्डिंग, और मेटैलिक बॉन्डिंग ज्यादा होने की वजह से जो सब्सटेंस है वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। इसलिए आपके लिए हार्ड है, यहां पे क्या है कंप्लीटली फील्ड है, वीक मेटैलिक बॉन्डिंग है, वीक मेटैलिक बॉन्डिंग होने की वजह से, वीक मेटैलिक बॉन्डिंग होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। तो आप कहेंगे कंप्लीटली फील्ड है, देयर इज अ वीक मेटैलिक बॉन्डिंग, देयरफॉर इट जिंक इज सॉफ्ट इन नेचर, वेयर एज क्रोमियम एंड आयरन आर हार्ड इन नेचर। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा टिपिकल पार्ट नहीं है। अगला पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो वो कह रहा है एन एल्कीन ए, आपको एक एल्कीन दिया जिसका जनरल फार्मूला है C5H10 ऑन ओजोनोलाइसिस गिव ए मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड बी एंड सी। इसकी जब हमने ओजोनोलाइसिस की, ये बी और सी मुझे प्रोवाइड कर रहा है, बी गिव्स पॉजिटिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, ये क्या कर रहा है, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट शो कर रहा है पॉजिटिव, और एंड आल्सो फॉर्म आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट भी शो कर रहा है, आइडोफॉर्म टेस्ट भी क्या कर रहा है, शो कर रहा है। अच्छा, सी डज नॉट गिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट बट फॉर्म आइडोफॉर्म, सी जो है वो फेलिंग नहीं कर रहा, फेलिंग नहीं कर रहा, मगर आइडोफॉर्म कर रहा है, आइडोफॉर्म कर रहा है, ठीक है। आइडेंटिफाई द कंपाउंड ए बी सी, राइट द रिएक्शन फॉर ओजोनोलाइसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ आइडोफॉर्म फ्रॉम बी एंड सी, वो दोनों आइडोफॉर्म की। तो काफी बड़ा क्वेश्चन अपने आप में है, और यहां पे आपको एक थोड़ी नॉलेज होगी स्टूडेंट तो तभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, जब ओजोनोलाइसिस की बात होगी तो जो हमारा गिवन प्रोडक्ट रिएक्टेंट है स्टूडेंट, हमें पता है ये दो कंपाउंड दे रहा है, अब आइडोफॉर्म कर रहा है, तो आइडोफॉर्म कौन से कंपाउंड शो करते हैं, जिनके टर्मिनल साइड पर CH3 सी डबल बॉन्ड हो या फिर CH3 CHOH ग्रुप हो, ये जिन दो कंपाउंड के टर्मिनल साइड पे होते हैं वही आइडोफॉर्म टेस्ट शो करते हैं। दूसरी बात, ये फेलिंग सॉल्यूशन की बात कर रहा है, फेलिंग कर रहा है तो एल्डिहाइड होगा, ठीक है ना, ये नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये एल्डिहाइड नहीं हो सकता, तो ये कीटोन भी हो सकता है। तो ये हमें पहले तो मोटी मोटी हमारे दिमाग में ऐसी पिक्चर आ गई कि हमारे पास, अब हमें पता है ओजोनोलाइसिस जब हम एल्कीन की करते हैं तो कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं, एल्डिहाइड बनता है और कीटोन बनते हैं, तो कौन सा ये एल्कीन होगा, थोड़ा सा हम उसको दिमाग लगाते हैं यहां से, अब हमें पास कौन सी एल्कीन लूं मैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा स्टूडेंट, CH3 CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH CH3। अगर मान लो एक तो मैं ये एल्कीन बन सकती है, और क्या बन सकती है, CH3 डबल बॉन्ड, CH CH सिंगल बॉन्ड, CH2 CH3, एक एल्कीन ये बन सकती है मेरे पास, एक आप कहेंगे सर CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH3, तो आप कहेंगे एक एल्कीन ये बन सकती है। तो हमने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी देखी, अब हमें पता है ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट के बाद मुझे जो प्रोडक्ट चाहिए वो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट शो करना चाहिए, तो यानी एल्डिहाइड बनेगा। अब देखिए ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट में क्या होता है स्टूडेंट, तो बिल्कुल आसान सी टेक्निक होती है, जो भी एल्कीन आप किया उसको जहां डबल बॉन्ड है वहां से ब्रेक कर दीजिए, यहां क्या बन जाएगा CH3 CHO, और यहां क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, यानी ये मेरा प्रोडक्ट बनेगा।
इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा एक ही कार्बन है, एक कार्बन का क्या बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड प्लस मेरे को क्या मिल जाएगा ब्यूटेनल्डिहाइड। इसकी जब मैं करूंगा तो क्या बनेगा CH3CHO, एक तो एसिटल्डिहाइड बन जाएगा और एक मुझे क्या बन जाएगा एसीटोन। अब आप अपना थोड़ा सा आईक्यू लेवल का यहां इस्तेमाल करना पड़ेगा कि ये दोनों केस नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते दोनों केस बताइए? क्योंकि वो कह रहा है कि जो सी है ना, जो आपका सी प्रोडक्ट है वो क्या है फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट शो नहीं कर रहा, मगर ये एल्डिहाइड है तो सारे फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट शो कर रहे हैं। ये नहीं बचा कौन, ये। अब इसमें ये मुझे पता है क्या फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट शो करेगा, ये शो नहीं करेगा। अच्छा ये जो कंपाउंड है इसको अगर मैं खोल के लिखूं तो CH3C OH ये ग्रुप भी आ गया आइडोफोम टेस्ट शो करेगा, यहां पे भी ये ग्रुप आ गया तो आइडोफोम टेस्ट शो करेगा। तो दिस इज माई आंसर, तो मेरा जो आंसर होगा वो ये बनेगा। आप इन क्वेश्चनों के लेवल को समझने का प्रयास करें स्टूडेंट, और जब आप तैयारी करें तो इन बातों को ध्यान में करके चले किस टाइप से CBSE ने सैंपल पेपर आपको अपलोड करके दिया, ताकि क्वेश्चन का लेवल क्या रखने वाले हैं वो एक आइडिया मिल जाता है हमें इन पेपर्स के थ्रू। तो एक अच्छी तैयारी आपको करनी पड़ेगी डायरेक्ट देख के। मैं तो डायरेक्ट आंसर ये भी लिख सकता था, मगर आपको बताया कि कैसे हम एग्जाम में इस चीज को स्टडी करेंगे, तो हमारा ऑप्शन ये दोनों बन गया। अब वो कह रहा है रिएक्शन लिख के दिखाओ, तो रिएक्शन लिख लेते हैं स्टूडेंट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम करते हैं कि सर प्रोडक्ट की रिएक्शन भी तो लिख के दिखाइए। अब मेरे पास दो चीजें आ गई स्टूडेंट, एक तो आ गया एसीटल्डिहाइड और एक मेरे पास आ गया एसीटोन, क्लियर है। अब वो कह रहा है क्या रिएक्शन लिखनी है, तो ये कह रहा है दोनों चीजें आ गई मेरे पास। अब वो कह रहा है राइट द रिएक्शन फॉर ओजोनोलाइसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ आइडोफोम फ्रॉम बी एंड सी, आइडोफोम के साथ रिएक्शन लिखनी है तो लिख लीजिए आइडोफोम के साथ रिएक्शन। तो क्या करेंगे NaOI, तो तीन मोल इसके लेंगे। क्या बनता है स्टूडेंट, मैंने ये कंप्लीट इसके ऊपर वीडियो डाल रखी है, किसी ने अगर स्टूडेंट ने नहीं देखी तो वो आपको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं आइडोफोम टेस्ट के ऊपर। तो यहाँ पे करते क्या स्टूडेंट, तीन मोल लिए आपने, एल्डिहाइड है तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें से एक कार्बन तो कन्वर्ट हो जाएगा आइडोफोम में CHI3, इसका कलर क्या होता है स्टूडेंट येलो, तो एक तो हमें येलो कलर के प्रेसिपिटेट मिल जाएंगे, येलो प्रेसिपिटेट येलो PPT प्लस। अब एक कार्बन बच गया, एक कार्बन का सोडियम का साल्ट बन जाता है तो क्या बन गया सोडियम फॉर्मेट। अब दो सोडियम बच गए यहाँ पे तो क्या बन जाता है 2NaOH, तो ये आपकी कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन हो जाती है। यहाँ पे हमें प्रेसिपिटेट मिलते हैं येलो के। इसी तरह जब मैं इसके साथ 3 मोल NaOI के डालूंगा स्टूडेंट तो सेम वही पैटर्न, इसमें से एक कार्बन तो इस्तेमाल हो जाएगा आइडोफोम में CHI3। अब कितने कार्बन बच गए हैं, आपके सर दो बच गए, तो दो कार्बन का सोडियम का साल्ट कौन सा बनेगा स्टूडेंट, तो सोडियम एसीटेट और प्लस क्या बन जाएंगे 2 मोल NaOH, तो ये आपकी कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन है। तो आपने ये दोनों रिएक्शन लिख के दिखा देनी है, और उससे पहले आपको मैंने जैसे बताया है वो आपको बताना है कि ये मेरे क्या होंगे प्रोडक्ट होंगे, क्यों होंगे वो विद लॉजिक में आपको सारा बता चुका हूं। अब क्वेश्चन नंबर 8 को स्टूडेंट ध्यान से देखते हैं, तो आपको स्ट्रक्चर गिवन है यहाँ पे, उसमें वो क्या कह रहा है कि आपको एक आपने क्या लिया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक आपने बैग लिया है स्टूडेंट, उस बैग के अंदर वो कह रहा है एक तो क्रिस्टलॉइड्स पड़े हुए हैं स्मॉल, यहाँ पे येलो कलर के डॉट्स में दिखाई दे रहे हैं स्ट्रक्चर में, और एक गोल गोल कलर के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, और एक सोल पार्टिकल्स है। तो आपको पता है स्टूडेंट अगर आपने सर्फेस केमिस्ट्री पढ़ रखा है कि सर्फेस केमिस्ट्री में जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन डालते हैं इम्प्योर, तो जो क्रिस्टलॉइड और जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उन दोनों में खास बात क्या होती है कि क्रिस्टलॉइड तो क्या है एनिमल मेम्ब्रेन में से पास हो जाते हैं, मगर जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो एनिमल मेम्ब्रेन में से पास नहीं होता। तो यहां पे जो ये सोल पार्टिकल है ये तो इसके अंदर ही रह जाएंगे और जो क्रिस्टलॉइड है वो इस सॉल्यूशन में बाहर आ जाएंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे एक एनोड अप्लाई कर दिया, कैथोड अप्लाई कर दिया। अब वो कह रहा है विच प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड इन द प्रोसेस को स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो पूछा इस प्रोसेस का नाम बताइए, तो इलेक्ट्रोडायलिसिस है क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं टू स्पीड अप द रिएक्शन। अब इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट अगले, अब जो सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट यहाँ पर वो क्या है व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रोसेस। तो स्टूडेंट जो हमने इलेक्ट्रोडायलिसिस की अभी बात की है, इलेक्ट्रोडायलिसिस इसकी एप्लीकेशन क्या है, तो ये सेपरेट करता है किसको कोलाइडल सॉल्यूशन को और क्रिस्टलॉइड को। अगर तो कई लोगों की किडनी काम करना बंद कर देती है स्टूडेंट, तो आर्टिफिशियल किडनी में भी जो प्रोसेस लगता है वो इलेक्ट्रोडायलिसिस का ही प्रोसेस लगता है, ब्लड को प्योरीफाई करने के भी क्या आता है काम होता है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट
कैन द सेम प्रोसेस अकर विदाउट अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, वाई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। वो कह रहा है कि अगर हम यहां पे जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया स्टूडेंट, इसको हम ना करें तो क्या ये प्रोसेस होगा? आप कहेंगे यस दिस प्रोसेस टेक प्लेस, यस ये प्रोसेस होगा। तो क्या फायदा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से? कहता है अगर हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते तो डायलिसिस जो है काफी स्लो प्रोसेस है, टू एनहांस द स्पीड ऑफ डायलिसिस वी यूज इलेक्ट्रिक फील्ड, और इससे क्या होता है इसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो ये बातें आपने यहां पे क्या करनी है, मेंशन करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट, नाइन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। अगेन जो नाइन्थ क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, अमीन चैप्टर से ये आपका क्या है क्वेश्चन है, अमीन चैप्टर में से आ रहा है। वो कह रहा है एन इथाइल थेन अमीन रिएक्ट विद बेंजीन। पहले तो फॉर्मूले लिख लेते हैं, वो क्या कह रहा है सी एच थ्री सी एच टू एन सी एच टू सी एच थ्री एन इथाइल इथेन अमीन। तो ये हमारा सेकेंडरी अमीन है, क्या स्टूडेंट सेकेंडरी अमीन है। वो कह रहा है रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, तो इसकी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन लिख दीजिए, बताइए क्या होगा। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड क्या होता है, बेंजीन सी एच डबल बॉन्ड ऑफ सी एल। तो कह रहा है क्या होगा, कहता है इन दोनों को जब हम रिएक्शन करेंगे तो स्टूडेंट क्या होगा, तो अब रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन करेंगे क्या होगा स्टूडेंट, इसका सी एल और इसका एच एलिमिनेट हो जाता है, यहां से एच सी एल बाहर चला जाता है और जो हमें नया कंपाउंड मिलता है वो क्या मिलता है आपके पास है बेंजीन एस डबल बॉन्ड ओ एस डबल बॉन्ड ओ एन, और यहां पे क्या हो गया दो इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। अब ये जो कंपाउंड बनता है ये क्यूओएच में सोलबल नहीं होता, दैट्स व्हाई दिस इज यूज्ड एज ए हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। ये हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट भी है स्टूडेंट की प्राइमरी अमीन के केस में जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्यूओएच में सोलबल होता है, मगर इसके पास क्योंकि यहां पे कोई हाइड्रोजन नहीं है इसलिए ये क्यूओएच में सोलबल नहीं होता। अब इसका नाम भी बता देते हैं, इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट, अब वो कहेगा क्या बन रहा है व्हाट हैपन कर रहा है, तो लैंग्वेज में आंसर देना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर एन एन डाई इथाइल एन एन डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, तो इसका नाम क्या स्टूडेंट एन बेंजीन सल्फोनामाइड। तो आपको ये फार्मूला भी लिखना है और रिएक्शन बना के दिखा देंगे ज्यादा बेटर है, उसमें लिख देंगे कि जो हम क्या होगा व्हाट हैपन कह रहे, तो आप कहेंगे जी एन एन डाइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड की क्या हो जाएगी फॉर्मेशन हो जाएगी विच इज नॉट सोलबल इन क्यूओएच। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट। बेंजाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद अमोनिया फॉलोड बाय रिएक्शन विद क्लोरो मीथेन। पहले बेंजाइल क्लोराइड ले लेते हैं हम, बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है बेंजीन के ऊपर सी एच टू सी एल ट्रीटेड विद अमोनिया, इसके हमने अमोनिया के साथ क्या कर दी स्टूडेंट रिएक्शन कर दी फॉलोड बाय रिएक्शन विद क्लोरोमीथेन। पहले इसकी इन दोनों की रिएक्शन करेंगे स्टूडेंट, तो हमें पता है क्या बन जाएगा सी एच थ्री सी एच टू एन एच टू प्लस एस सी एल, ये बन गया। अब इसकी रिएक्शन क्या रहा है इसके साथ कर दो क्लोरोइथेन के साथ, क्लोरो मीथेन के साथ आपको क्या करनी है इसकी रिएक्शन करनी है, तो हमने क्लोरोमीथेन डाल दिया। अब इसका सी एल और इसका एच और हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, तो आप रिएक्शन लिख के दिखाएंगे सी एच टू एन एच सी एच थ्री, तो मुझे सेकेंडरी अमीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे सेकेंडरी अमीन बन जाएगा, आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। अब ये रिएक्शन आपको स्टूडेंट याद करनी पड़ेगी। अगली बात करें क्या है, अगली रिएक्शन क्या है एनिलीन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एनिलीन है, पहले एनिलीन ले लीजिए, एनिलीन की किसके साथ रिएक्शन कह रहा है करने को क्लोरोफॉर्म सी एस सी एल थ्री और इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। तो अब आपको ये लिखते ही स्टूडेंट अगर आपने याद कर रखा है तो आपको याद आ जाना चाहिए सर ये तो कार्बाइल अमीन रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है कार्बाइल अमीन रिएक्शन। तो कार्बाइल अमीन रिएक्शन में क्या होता है फिनाइल आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन हो जाती है, क्या बन जाएगा एनसी, क्या बनेगा फिनाइल आइसोसाइनाइड। और आपको पता होना चाहिए इसकी जो स्मेल होती है स्टूडेंट काफी पंजेंट होती है, नॉट बेरेबल कह सकते हैं इसे, और इसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा फिनाइल कार्बाइल अमीन, कार्बाइल अमीन ग्रुप बी से बोल देते हैं। साथ में क्या बनेगा थ्री केसीएल और प्लस क्या बन जाएगा हमारे पास एच टू ओ, तीन मोल किसके बन जाएंगे वाटर बन जाएंगे। तो ये हमारी कंप्लीट रिएक्शन है कार्बाइल अमीन रिएक्शन को डायरेक्ट ना देकर क्या दे दिया लैंग्वेज की फॉर्म में दे दिया, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो हमारा है नाइन्थ,
राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं स्टूडेंट, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर अभी ये दिया हुआ है। तो एन के साथ क्या है, इथाइल है और मिथाइल है। अब अगर आपको पता है कि अगर बेंजीन मेरा ये होता सिंपली NH2, तो हम इसको एक तो एनिलीन बोलते हैं और इसका नाम एक होता है बेंजीन अमीन, इसका ही बोल देते हैं। तो इसके दोनों नोमेनक्लेचर हो सकते हैं, दोनों में से कोई लिख दो कोई दिक्कत नहीं। पहला नाम क्या होगा, एन इथाइल एन मिथाइल बेंजीन अमीन, बेंजीन अमीन। एक तो आप ये लिख सकते हो, जो मोस्ट पॉपुलर नोमेनक्लेचर है वो ये है एन इथाइल एन मिथाइल एनिलीन, दोनों ही सही है, कोई भी आपका गलत नहीं होगा, जो मर्जी आप लिख दे दोनों ही क्या है करेक्ट है। ये इसका क्या हो गया नोमेनक्लेचर, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पार्ट बी करते हैं स्टूडेंट, तो क्या है पार्ट बी इसका। अब यहाँ पे कंप्लीट द रिएक्शन है, अब यहाँ पे आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए। पहले क्या दिया, C6H5NO2, तो आपको पता है ये नाइट्रोबेंजीन है स्टूडेंट, तो नाइट्रोबेंजीन को कह रहे हैं टिन ओब्लिक एसीएल। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको रिएक्शन बताई थी कि नाइट्रो को जब टिन ओब्लिक एसीएल के साथ करते हैं तो अमीन में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमें क्या मिल जाएगा एनिलीन। तो जो आपका ए है वो क्या है स्टूडेंट, एनिलीन। अब उसमें कह रहा है ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऐड कर दीजिए, तो स्टूडेंट जब एक्वस मीडियम में ब्रोमिनेशन करते हैं तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन होती है, और यहीं पे अगर CH2 ले लेता तो मोनो सब्स्टिट्यूशन होती, तो यहाँ पे हमें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा ब्रोमीन का, क्या मिलेगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। तो अब आपका जो बी बन गया वो क्या बन गया 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। अब इसमें वो कह रहे हैं NaNO2 यानी डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन करने को कह रहे हैं NaNO2 ओब्लिक HCl, और टेम्परेचर क्या है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में लिख दीजिए 273 से 278 केल्विन, तो कह रहा सी बन जाएगा। तो डाइएजोटाइजेशन में क्या होता है NH2 कन्वर्ट हो जाता है डायजोनियम साल्ट में, तो N2Cl नेगेटिव, तो ये बेंजीन। बाकी सारा स्ट्रक्चर रिमेनिंग क्या रहेगा, सेम रहेगा आपका, ठीक है स्टूडेंट, ये क्लियर है। अब हम इसको आगे कैसे करें, आगे क्या करें HBF4 के साथ रिएक्शन करा दीजिए। नेक्स्ट क्या कर रहा है इसकी, HBF4 के साथ रिएक्शन कराने को कह रहा है, तो करा देते हैं। अब इसमें क्या कर रहा है HBF4 के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, अब आपको पता है बाल सच्ची में रिएक्शन है। इसमें क्या करते हैं हम, जो डाइजोनियम साल्ट है फ्लोरो कंपाउंड बन जाता है, और यहाँ पे हीटिंग का सिंबल भी दे दें, तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट आपका F आ जाएगा, बाकी रिमेनिंग स्ट्रक्चर क्या रहेगा सेम रहेगा, बाकी रिमेनिंग पार्ट आपका क्या रहेगा स्टूडेंट सेम रहेगा। तो आपको क्या मिल गया, आप देख सकते हैं 2,4,6 ट्राई ब्रोमो और फिर 1 पे फ्लोरो, अब अगर फ्लोरो बाद में आता तो नंबरिंग इसकी अलग ढंग से हमें करनी पड़ेगी, तो 1,2,3,4,5,6, तो इसका नाम क्या चुका है 2-फ्लोरो-1,3-5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। तो ये आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा जो कि हमारा क्या है डी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट की ABCD, इनमें से एक भी गलत होता है तो आपके, अगर मान लो कि स्टूडेंट के दो ठीक हैं तो दो के आपको मार्क्स मिलेंगे। CBSE में ऐसा नहीं होता कि आपके बीच का एक स्टेप गलत है बाकी सारे ठीक है तो पूरे पे काटा मार देंगे, ऐसे नहीं, स्टेप वाइज चेकिंग होती है, इसलिए आप अच्छी तरह इनको तैयार करें। और हर एक चीज में एक लॉजिक लग रहा है स्टूडेंट, देखिए कितनी नेम रिएक्शन आ रही है, यहाँ पे डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन आ गई, ये बाल सच्ची मैन रिएक्शन आ गई, और ये सिंपल रिएक्शन, तो याद करना पड़ेगा। कई बच्चे सोच रहे हैं कि हम बिना पढ़े पास हो जाएंगे या बिना मेहनत करे पास हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, आपको एक डीप स्टडी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम 10 की बात करें स्टूडेंट, तो ये कहां से आ रहा है, नन्नस्ट इक्वेशन से आ रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया था नन्नस्ट इक्वेशन के ऊपर मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कंप्लीट न्यूमेरिकल इन वन शूट वीडियो बना रखी है स्टूडेंट। अगर किसी स्टूडेंट को न्यूमेरिकल में डाउट है तो वो कंप्लीट वीडियो आप देख लें, मैं आपको 100% श्योर हूं कि बोर्ड में उससे बाहर नहीं आने वाला। ये लाइन मैंने इस सैंपल पेपर के आने से पहले बोली थी, और इस सैंपल पेपर में 3 नंबर का वही न्यूमेरिकल है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वीडियो के अंदर, तो आप देख सकते हैं कि इसी टाइप के क्वेश्चन आपको CBSE में आने हैं, टेंशन नहीं लेनी। अब क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस ई नोट। अब ई नोट सेल की वैल्यू आपको गिवन है, ई नोट सेल कितना गिवन है 1.260 वोल्ट, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई सेल, ई सेल निकालना है। पहले रिएक्शन क्या गिवन है वो देख लेते हैं, 2 Al+3 cadmium 2+ 3 aluminium 3+. अब इनकी कंसंट्रेशन गिवन है, इसकी है 10 की पावर -2 मोलर, मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जब भी आप
जो डेसिमल में वैल्यू हो तो उसको 10 की पावर में कन्वर्ट कर लें, तो ये क्या है 10 की पावर माइनस 1 मोलर, इनकी वैल्यू आपको गिवन है। ई सेल निकालना है पहले, ई नोट सेल गिवन ही है, तो डायरेक्ट आपको नर्नस्ट इक्वेशन अप्लाई करनी है। ई सेल क्या होता है, ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे स्टूडेंट ध्यान से देखिए, एल्यूमिनियम क्या है 0, यहाँ एल्यूमिनियम क्या है प्लस 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है 6। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट कितना है एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का स्क्वायर अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कैडमियम 2 पॉजिटिव का क्यूब। अब आपने सर इनको क्यों नहीं लिया, तो मैंने आपको बता रखा है एलिमेंट्री स्टेट में जो सब्सटेंस होते हैं उनकी कंसंट्रेशन कॉन्स्टेंट होती है, तो उनको हम स्टडी नहीं करते। तो पिछली वीडियो में बताया था स्टूडेंट कि जब कोई सब्सटेंस अपने एलिमेंट्री स्टेट में होता है तब उसकी कंसंट्रेशन कॉन्स्टेंट हो जाती है, तो इसलिए हमने कैडमियम और एल्यूमिनियम को यहाँ पे नहीं लिया। अब इनकी वैल्यूज आपको गिवन है स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा ई नोट सेल की वैल्यू कितनी गिवन है 1.26 माइनस 0.0591 अपॉन 6। अब इसकी वैल्यू कितनी गिवन है स्टूडेंट, लोग एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव की बात करें तो कितनी वैल्यू है 10 की पावर माइनस 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 4, और ये क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 3 क्योंकि माइनस 1 है। अब माइनस 3 ऊपर जाएगा स्टूडेंट, तो ये सारा हमारा कैलकुलेट करके क्या आ जाएगा 10 की पावर माइनस 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा 10 की पावर माइनस 1, और 10 की पावर माइनस 1 कितना होता है स्टूडेंट माइनस 1, और ये जब यहां से हट जाएगा हमारा तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस की वैल्यू आ जाएगी। अब आप इसको सोल्व करते तो ये आ जाएगा 0.009, और इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.269 वोल्ट, और ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ध्यान रखने वाली बात है यूनिट्स मेंशन करना जरूरी है, साथ में आप ये भी मेंशन कर दें आंसर तो ज्यादा बेटर हो जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट आपने क्वेश्चंस को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं स्टूडेंट, जो कि अगेन क्या है हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड है, पहले भी हम डी ब्लॉक एलिमेंट के 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है वो कहता है व्हाई आर द फ्लोराइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स मोस्ट स्टेबल इन देयर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एज कंपेयर टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। कहने का उसका मतलब यह है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है कोई भी, उसमें जो फ्लोरीन के साथ जो कॉम्प्लेक्स बना रहा है, मान लो एम आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो फ्लोरीन के साथ जो कॉम्प्लेक्स बना रहा है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाई। जैसे मान लो मेटल यहाँ पे मैं कह रहा हूँ प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ मेटल प्लस 4 है, तो वो कह रहा है ये वाला ज्यादा स्टेबल है इससे क्यों। अब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे चार्ज ज्यादा है यहाँ चार्ज कम है, तो लैटिस एनर्जी किस कंपाउंड की ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी। तो आप कहेंगे लैटिस एनर्जी जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में फ्लोरीन कॉम्प्लेक्स बनाता है तो उसकी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसकी ज्यादा होगी इसकी कम होगी, और जिसकी वजह से ये कंपाउंड जो है ज्यादा स्टेबल है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपने रीजन देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड फील अट्रैक्शन व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको कौन कौन से दिए हुए स्टूडेंट, सबसे पहले दिया हुआ है कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, एजी पॉजिटिव, ये आपको 4 आयन दिए हुए हैं। वो कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा कौन अट्रैक्शन फील करेगा, तो जो ज्यादा पैरामैग्नेटिक हो ज्यादा फील करेगा, पैरामैग्नेटिक ज्यादा कौन हो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कोबाल्ट 2 पॉजिटिव का मतलब आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एक हो गया, तो आर्गन 3d7 आएगा, आर्गन 3d10 आएगा, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पता है। अब आपको लगता है d10 है तो सारे के सारे d ऑर्बिटल क्या होंगे स्टूडेंट, पेयर्ड होंगे, तो इसका इसका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर क्या है 0, ये डायमैग्नेटिक है, 3d0 है, एम्प्टी है, तो ये भी डायमैग्नेटिक, यहां बात करें ये भी कंप्लीटली फिल्ड है डायमैग्नेटिक। d7 पे चले अगर हम तो d7 का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, तो d7 का मतलब ये इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा जो फील करेगा आपका आंसर आएगा कोबाल्ट 2 पॉजिटिव। नेक्स्ट पार्ट जो है इसका थर्ड, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5d सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आर हायर देन दैट ऑफ 3d एंड 4d सीरीज वाई। तो इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे ढंग से समझते हैं, मान लो मेरे पास 3d ट्रांजिशन सीरीज है, 4d ट्रांजिशन सीरीज है और 5d ट्रांजिशन सीरीज है। स्टूडेंट डी ब्लॉक की भी जितनी वीडियोज हैं वो इस
आपको डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, मैक्सिमम वीडियो डी ब्लॉक की बन चुकी हैं, उनको वहां से जाके आपको अगर कोई टॉपिक लग रहा है कि मेरे को क्लियर नहीं है, वहां जाके क्लियर कर सकते हैं। अब जैसे मेरे भाई ये है तो इसी को अगर मैं थोड़ा सा वैसे लेके चलूंगी तुम्हें इजिली समझ आ जाए, तो हम एलिमेंट के नाम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे टाइटेनियम हो गया, यहाँ पे जिर्कोनियम हो गया और यहाँ पे होफनियम हो गया। टाइटेनियम होता है 22, जिर्कोनियम कितना होता है स्टूडेंट 40 और होफनियम जो होता है वो 72 है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो आर्गन 2। अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें इसमें 3d2 4s2 है, इसमें 4d2 5s2 है, यहाँ पे क्या खास डिफरेंस है, यहाँ पे 4f एंटर कर जाता है। तो आप कहेंगे जब हम 3d से 4d पे जाते हैं, 4d से 5d पे जाते हैं, देयर इज ए एंटरिंग ऑफ 4f सबशेल एंटर कर जाता है, विच हैव वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट। इसका शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट। और शील्डिंग इफेक्ट पुअर होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज हो जाएगा तो आपको पता है आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, इसीलिए जो फिफ्थ डी ट्रांजिशन सीरीज है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है 4d से। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बड़े इजीली आपको समझ आएगा। मगर अगर हम बात करें 3d से 4d के स्टूडेंट, तो साइज इंक्रीज करता है और आयोनाइजेशन एनर्जी कोई पूछ ले तो याद रखना क्या करती है, डिक्रीज करती है। मगर 4d से 5d पे आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, क्यों करती है, तो आप कहेंगे 4f सबशेल एंटर कर जाता है, विच है वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस और आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, जो कि अगले पेज पे मेंशन होगा। ऑन द बेसिस ऑफ फिगर गिवन बिलो आंसर द फॉलोइंग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट 11 नंबर पे जो हमारा है, ये भी क्या है और में है, ये आपका दिया हुआ है, आपको डायग्राम दिया हुआ है, एनसीईआरटी सोर्स क्या है, एनसीईआरटी देख लीजिए, सैंपल पेपर में भी सीबीएसई ने एनसीईआरटी का इस्तेमाल किया है। ये इसकी सीरीज देखी है, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को देखिए तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर ऑलमोस्ट क्या सेम, फिर डाउनवर्ड। तो क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट मैंगनीज से क्या है, ज्यादा है, पहला क्वेश्चन यही है। वाई मैंगनीज हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन क्रोमियम। तो स्टूडेंट इसके बहुत सारे लॉजिक होते हैं, अगर आप मेरी आयोनाइजेशन एनर्जी की वीडियो देखेंगे तो वहां पे मैंने इसके 3 रीजन दिए हैं, उतने की वैसे जरूरत है नहीं, मगर आप वहां पे और ज्यादा डिटेल में इसको देख सकते हैं, यहां मैं उतने डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो अगर हम बात करें तो वो क्या कहता है, वो कहता है बिल्कुल सिंपल सी कॉन्सेप्ट, बहुत सारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगते हैं और थोड़े से हमें समझ आते हैं, थोड़े से समझ नहीं आते। तो वैसे लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या देता है, वो कहता है जो मैंगनीज है ना स्टूडेंट, मैंगनीज क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, और मोर स्टेबल हो जाने की वजह से मैंगनीज क्या करता है, अपने जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनको मेटेलिक बॉन्डिंग में यूज नहीं होने देता जल्दी, और जिसकी वजह से ये क्या होता है, वीक मेटेलिक बॉन्डिंग शो करता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, लो हो जाता है। जबकि क्रोमियम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है तो इसकी मेटेलिक बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होती है और जिसकी वजह से क्रोमियम का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो ये आपने यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल ऑफ 3d सीरीज हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू 4d। अब ये हमारी 4d की है तो इसके कंपेरिजन जो 3d सीरीज है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों है। तो वो क्या कहता है स्टूडेंट, जब हम 3d से 4d ट्रांजिशन सीरीज पे जाते हैं तो क्या होता है, मेटेलिक बॉन्डिंग इंक्रीज हो जाती है। तो आपने कहा ना भाई मेटेलिक बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाती है, और मेटेलिक बॉन्डिंग इंक्रीज करने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इसका, इन द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द मेटल विद हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। आपको स्ट्रक्चर दे रखा है स्टूडेंट, बिल्कुल ईजी हो गया, सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट आपको दिख ही रहा है, डब्ल्यू दे रखा है, दैट इज टंगस्टन। तो आपका जो आंसर क्या होगा, टंगस्टन। तो टंगस्टन आप जवाब दे देंगे कि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाईएस्ट है। कोई पूछे क्यों, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग। क्यों स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग है, ड्यू टू हाइयर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आप ये जवाब दे सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, उसको आपको थोड़ा सा स्टडी करने के लिए पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगला जो है केस बेस्ड स्टडी है स्टूडेंट। जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है, केस बेस्ड स्टडी है। तो केस बेस्ड है, इसमें जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या आपको याद रखने पड़े, इतना ज्यादा पढ़ेंगे तो बहुत बड़ी वीडियो पहले बन चुकी है स्टूडेंट। तो ये कह रहा है न्यूक्लियर रिएक्शंस के ऊपर बात कर रहा है, कि न्यूक्लियर रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर भी होती है, जितनी लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर भी होता है।
अब इसमें जो आपको समझने वाली बात है जिसके ऊपर क्वेश्चंस हैं उनको हम देख लेते हैं। वो कहता है दिस इज द चेंज ऑफ लेस स्टेबल न्यूक्लियस टू मोर स्टेबल न्यूक्लियस। न्यूक्लियर डीके क्या होता है, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल न्यूक्लियस की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं। एवरी एटम हैज आइदर स्टेबल न्यूक्लियस और अनस्टेबल न्यूक्लियस डिपेंडिंग अपॉन हाउ बिग इट इज ऑन द रेशियो प्रोटोन टू न्यूट्रॉन। अगर प्रोटोन और न्यूट्रॉन का रेशियो 1:1 होता है तो वो कहता है स्टेबल है, और अगर 1:1 से ज्यादा होता है या डिफरेंट होता है तो वो क्या स्टेबल नहीं है। तो पहला पॉइंट तो आपको ये याद करना है, इसी के ऊपर आपका एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। उसके बाद वो कह रहा है इसमें जो हमें पढ़ने वाला है द मोस्ट कॉमन नेचुरल रेडियो एक्टिव आइसोटोप इन द ह्यूमन्स आर कार्बन-14 एंड पोटाशियम-14। हमारे जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो रेडियो एक्टिव नेचुरल है वो क्या है, कार्बन-14 है और कार्बन पोटाशियम-40 है। ठीक है ना, केमिकली दीज आइसोटोप बिहेव एग्जैक्टली लाइक ए स्टेबल कार्बन एंड पोटाशियम। फॉर दिस रीजन द बॉडी यूजेस कार्बन-14 एंड पोटाशियम-40 जस्ट लाइक इट डज नॉर्मल कार्बन एंड पोटाशियम। बट जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, ठीक है ना, तो इनका जो रेशियो है स्टूडेंट वो चेंज होना शुरू कर जाता है, और उसी के बेस पे एज लॉन्ग एज ए पर्सन इज अलाइव एंड स्टिल ईटिंग एवरी कार्बन-14 दैट डीके इनटू नाइट्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड ऑन एवरेज विद न्यू कार्बन-14 एटम। वो कहता है जब कोई व्यक्ति जिंदा रहता है तो कार्बन-14 जो डीके करता है नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड एंड एवरेज विद न्यू कार्बन-14 एटम, तो उतना कार्बन-14 फिर प्रोड्यूस हो जाता है। बट वंस ए पर्सन डाई ही स्टॉप रिप्लेसिंग द डीकेइंग कार्बन-14 एटम स्लोली, द कार्बन-14 एटम डीके टू नाइट्रोजन विदाउट बीइंग रिप्लेस्ड, और इस वजह से कार्बन-14 का अमाउंट धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, और उसी के बेस पर हम किसी भी फॉसिल या जो भी लिविंग थिंग्स, किसी की डेथ होगी उसके बाद जो भी चीजें हैं उसके बोन्स हमारे पास, उसकी स्किन का कोई पीस आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं उस व्यक्ति की एज। जैसे वो कह रहा है बोन्स वुड लेदर एंड इवन पेपर कैन बी एक्यूरेटली डेटेड एज लॉन्ग एज दे फर्स्ट एग्जिस्टेड विद इन द लास्ट 60,000 ईयर। यानी 60,000 साल पहले भी अगर कोई चीज है तो उसकी हम एग्जिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, वो कह रहा है जो कार्बन-14 है स्टूडेंट उसकी हाफ लाइफ पीरियड हमें पता है, तो अगर हमें कार्बन-14 की हाफ लाइफ पीरियड पता है तो उससे मैं उसकी कैलकुलेशन करके फर्स्ट ऑर्डर फाइंड फार्मूले का, जैसे मैं फार्मूले इस्तेमाल करके कैलकुलेशन भी करके आपको दिखाऊंगा, तो हम क्या है कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या क्या है उनको पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाई इज कार्बन-14 रेडियो एक्टिव व्हाइल कार्बन-12 इज नॉट। अब कार्बन-14 की बात करें स्टूडेंट तो कार्बन-14 में न्यूट्रॉन कितने हैं 8 और प्रोटोन कितने हैं 6, तो रेशियो क्या हो गया स्टूडेंट, तो रेशियो आप कहेंगे 8:6 यानी 4:3 यानी कि हम कहेंगे 1.33, तो ये हमारे पास रेशियो आ जाएगी। मगर कार्बन-12 की बात करें तो हमारे पास जो रेशियो आएगी 6:6 1। अब आपको पता है कार्बन-12 क्या स्टेबल है, यहाँ पे रेशियो डिफरेंट आ रही है, तो इसका मतलब ये क्या अनस्टेबल, इसलिए कार्बन-14 क्या है रेडियो एक्टिव है, कार्बन-12 क्या है रेडियो एक्टिव नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, रिसर्चर हैव अनकवर्ड द यंगेस्ट नोन डायनासोर बोन डेटिंग अराउंड 65 मिलियन ईयर एगो, हाउ वाज द एज ऑफ दिस फॉसिल एस्टिमेटेड। तो कह रहे इसकी हमने एज कैसे निकाली, तो उसके पीछे आपको यही सारा रीजन यहां से एज इट इज लिख देना है स्टूडेंट। आप कहेंगे जब कोई लिविंग थिंग जाए डायनासोर जब लिविंग था तो उसके अंदर कार्बन-14 का जो अमाउंट था वो फिक्स था, कार्बन-14 रिप्लेस कर रहा था नाइट्रोजन एटम में रिप्लेस कर रहा था, तो उसकी जो अमाउंट है वो सेम चल रही थी। मगर जब किसी की डेथ हो जाती है वंस ए पर्सन डाई ही स्टॉप रिप्लेसिंग डीकेइंग कार्बन-14 एटम, कार्बन-14 का डीके को स्टॉप, कार्बन-14 नाइट्रोजन में कन्वर्ट तो होता है मगर उसके बाद वापस रिप्लेस नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उसका अमाउंट धीरे धीरे कम होता रहता है। और कार्बन-14 की हमें क्या है हाफ लाइफ पीरियड पता है, जिससे हम उसका एज निकाल लेते हैं, और इस तरह उन्होंने डायनासोर की क्या करी एज को निकाला। सी विच आर द टू मोस्ट कॉमन रेडियो एक्टिव डीके हैपनिंग इन द ह्यूमन बॉडी, तो आपको पता है कार्बन-14 कन्वर्ट हो रहा है किसमें नाइट्रोजन में, और जो आपका पोटाशियम है वो कन्वर्ट हो रहा है कैल्शियम में, तो आप कहेंगे पोटाशियम और कार्बन-14 जो है हमारे मोस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। डी ऑप्शन क्या है न्यूमेरिकल है, अब इसको हम थोड़ा सा करते हैं। अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है स्टूडेंट डी, अब उसे कर लेते हैं। पहले फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक आपको पता है k = 2.303 / t
लो ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक का फार्मूला आता है, मगर जब हम इस्तेमाल करते हैं इसको रेडियो एक्टिव डीके में तो हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं 2.303 लोग एन नोट ले लो अपॉन एन, यानी जो अमाउंट है, या हम ये कह सकते हैं इनिशियल अमाउंट अपॉन फाइनल अमाउंट, ये हम लेते हैं। अब के जो होता है जीरो ऑर्डर काइनेटिक का, तो 0.693 अपॉन टी हाफ, अगर आपको टी हाफ पता है तो आप के की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आपका क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है सपोज एन ऑर्गेनिज्म हैज 20 ग्राम ऑफ कार्बन 14, कार्बन 14 जो है इनिशियली कितना है 20 ग्राम है, एट द टाइम ऑफ डेथ, जब उसकी डेथ होती है तो उस टाइम जो कार्बन 14 है वो क्या है 20 ग्राम है, अप्रोक्सीमेटली हाउ मच कार्बन 14 रिमेन आफ्टर 10320, यानी कि 10320 ईयर बाद बताओ कितना कार्बन 14 लेफ्ट होगा बचेगा, यानी हमें फाइनल अमाउंट कैलकुलेट करनी है। गिवन है आपको एंटीलोक की वैल्यू, आपको गिवन है हाफ लाइफ पीरियड की अगर वैल्यू देखेंगे कितनी है 6000, आपको डाटा पैरा में दिया हुआ है, तो टी हाफ दिया हुआ है 6000 ईयर, ये आपको टी हाफ गिवन है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइनल अमाउंट कार्बन 14 का कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, तो थोड़ी कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं डाटा को। अब मुझे क्या करना है, टी हाफ पता है मुझे कितना है, तो के क्या आ जाएगा 0.693 अपॉन 6000, और इसके यूनिट्स क्या होंगे स्टूडेंट, ईयर इनवर्स। अब मुझे टाइम कैलकुलेट करना है, तो 2.303 के की वैल्यू आपको गिवन है 0.693 इंटू 6000, और लोग इनिशियल अमाउंट आपको कितना गिवन है स्टूडेंट 20 ग्राम, वो कह रहा है फाइनल क्या होगा, हम उसे मान लेते हैं x। तो ये हमने कैलकुलेट किया। अब मेरे पास ये जरा सोल्व करके आपको बताइए कहां से आता है 0.3010 आ जाएगा, क्योंकि जो 0.693 है वो मल्टीप्लाई किसको करके आता है 2.303 इंटू 0। अभी इसको हम अप्रोक्सीमेट क्या मान लेते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए, मैं इसको 0.3 ले लेता हूं, तो 0.3 ले लूंगा तो एक जीरो बढ़ गया, तो इससे हम काटेंगे कितने बजाय गए, तो इसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट कितने पे जाएगा 2 पे, और एक जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगी क्योंकि मैंने डेसिमल हटाया। तो ये टी की वैल्यू स्टूडेंट हमें गिवन है 1320, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा 20000, ठीक है ना, इक्वल टू लोग 20 अपॉन एक्स, ये मेरे पास आ गया स्टूडेंट। अब इस सब को जब हम सोल्व करेंगे स्टूडेंट, आपको देखिए डाटा यहाँ गिवन है 0.517, तो ये सोल्व करके हमारे पास जो आएगा वो आएगा लोग 20 अपॉन एक्स इक्वल टू 0.517, और इसी का स्टूडेंट हम क्या ले लेंगे एंटी लोग ले लेंगे एंटी 0.517, और इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे देख सकते हो गिवन है 3.289, ये वैल्यू आपको स्टूडेंट क्या है गिवन है 3289। बस अब आपको करना क्या है, तो 20 अपॉन एक्स इक्वल टू 3.289, तो x क्या हो गया स्टूडेंट 20 अपॉन 3.289, और इसको मैं अप्रोक्सीमेशन में क्या ले लूंगा 20 अपॉन 3.3, तो इसका डेसिमल गया तो 200 डिवाइड बाय 33, और इसको जब आप स्टूडेंट सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितने पे जाएगा, आप देख सकते हैं 23 है तो कितने पे जाएगा अप्रोक्सीमेट 6 पे, तो बच गया 220, तो 6.0 और फिर 2 है तो 6, ये अप्रोक्सीमेट आपका 6.06 क्या आ जाएगा, तो 6 ग्राम आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप बड़े आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं, लॉग टेबल अलाउड नहीं है और लॉग की वैल्यू आपको क्या होगी गिवन होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टूडेंट, तो स्टूडेंट लास्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं इस सैंपल पेपर का लास्ट क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेटली हाउ ओल्ड इज फोसिल विद 12 ग्राम ऑफ कार्बन 14, तो आपको 12 ग्राम कार्बन 14 गिवन है, इफ इनिशियली, अब ये फाइनल आपको अमाउंट गिवन है स्टूडेंट, और इनिशियली जो आपको अमाउंट इसका गिवन है वो दे रहा है 32 ग्राम, और बताइए कि हाउ ओल्ड इज फोसिल, तो एज निकालनी है हमें, तो हमें हाफ लाइफ पीरियड तो स्टूडेंट पता ही है कितना है 6000 ईयर, तो हम यहां से के निकाल लेंगे, के क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन 6000, तो ये ईयर इनवर्स हमारे पास के की वैल्यू आ गई। अब टाइम निकालना है तो 2.303
डिवाइड बाय 0.693 इनटू 6000 और लोग इनिशियल अमाउंट कितना दिया हुआ है 32 और फाइनल कितना दे रखा है स्टूडेंट आपका 12। तो ये कोई बड़ी कैलकुलेशन इसमें नहीं है, बड़े आराम से आपका हो जाएगा। और जब आप इसे सोल्व करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ देखिए लोग में आपको डाटा गिवन है तो अंडरस्टूड है कि वही आएगा, तो ये आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2.667। और जब ये सारा डाटा आप यहाँ पे पुट करेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारा टी जो हो जाएगा 2.303 अपॉन 0.693 इंटू 6000 इंटू क्या आ जाएगा 0.4260। अब इसको आपको स्टूडेंट क्या करना है, कैलकुलेट करना है, मैंने आपको बताया दिया ये क्या हो जाएगा 0.3 आ जाएगा अप्रोक्सीमेट, और इससे करोगे तो आपको पता है यहाँ पे क्या आ जाएगा 20,000 और इंटू 0.43 ले लेते हैं, राउंड फिगर में कर लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। अब 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6, 8 और यहाँ पे हम 1, 2 जीरो में हटा देते हैं तो 8600 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ईयर। तो ये आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट, आंसर आ जाएगा। तो बड़े आराम से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लें। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर करें और जहां कहीं पे भी आपको डाउट लगता है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।